रक्षाबंधन पर्व पर जिला कारागार में बंद भाइयों की कलाई पर जेल पहुंचकर बहनों ने राखी बांधी। सुबह से ही बहनें थाली और मिठाई राखी लेकर जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने पहुंची और इस दौरान उन्हें जेल परिसर के कड़े सुरक्षा मानकों के बीच से गुजरना पड़ा। अंदर जाने के बाद बहनों ने जेल की सलाखों से बाहर निकली कलाई पर राखी बांधी तो दोनों की ही आंखों से आंसू बहने लगे। हरदोई की जिला जेल में बृहस्पतिवार को रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। जेलर व प्रभारी जेल अधीक्षक संजय सिंह ने बताया है कि जेल में रक्षाबंधन पर्व मनाया जा रहा है और जेल में बंद बंदियों को उनकी बहनों द्वारा राखी बांधने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद जिला कारागार पहुंची बहनों ने राखी बांधी और भाइयों की लंबी आयु की कामना की। जिला कारागार पहुंची बहनों ने इस दौरान भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर अपने भाइयों से दोबारा अपराध नहीं करने और अच्छा इंसान बनने का वचन लिया। वहीं जेल प्रशासन की ओर से पर्याप्त इंतजाम भी किए गए थे। धूप और बरसात को देखते हुए जेल के बाहर टेंट लगाया गया था, जहां पानी और चाय बिस्कुट की व्यवस्था भी की गई थी। रक्षाबंधन के अवसर पर जैसा कि शासन का भी निर्देश है और हमारे माननीय मंत्री जी का भी निर्देश है कि जो भी बहनें मुलाकात के लिए आएं, बहुत बड़ी संख्या में आती भी हैं हर वर्ष, तो उनको सही से व्यवस्था करके राखी बंधवाने की व्यवस्था की जाए। तो उसी के अंतर्गत जिला कारागार हरदोई पे जो भी बहनें आई हैं उनके लिए बाहर टेंट लगाया गया है, बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, अंदर जो राखी बांध रही हैं महिलाएं उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, चाय और बिस्कुट की व्यवस्था की गई है, जिनको भी अगर कोई ज़रूरत है तो वो ले सकती हैं, और राखी बांधने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक बहन अपने साथ मिठाई लाएगी, अपने भाई को खिलाएगी ताकि उसको परिवार जैसा फील हो और ऐसा महसूस ना हो कि कारागार में अगर वो है तो उसके परिवार से उसके संबंध जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं और उसका परिवार उसकी देखभाल नहीं कर रहा है। 300 या 350 से अधिक महिलाएं आ चुकी हैं और शाम तक चलेगा ये। जब तक भी कोई भी महिला आज आएगी जेल बंद होने तक, तो हम उसकी मुलाकात उसके भाई से अवश्य कराएंगे। कोई भी महिला बिना मुलाकात किए आज अपने भाई से वापस नहीं जाएगी।